हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कटहल का भुजिया, वो भी कुकर में। देखिए, पहले हम सूखा मसाला लेके खड़ा थोड़ा कढ़ाई में रोस्ट कर लेते हैं हल्का सा, क्योंकि बारिश का मौसम है। उसके बाद कटहल प्याज इस तरह से काट के तैयार रखते हैं। कटहल इस तरह से काटें भुजिया बनाने के लिए। रोस्ट किया हुआ मसाला या तो मिक्सर में एक दो राउंड घुमा ले या तो कुटने में कूट लें कर लें। इसके बाद तैयार है, या खल में कूटे या तो इसमें थोड़ा हल्दी। कुकर रखें, गरम हो गया है, उसमें तेल डालें। तेल गरम हो जाए उसके बाद उसमें हींग डालेंगे। उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे जो क्रश किए हैं। मसाला क्रश करना है, ज़्यादा पीसना नहीं है। इसके बाद इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। कटा हुआ प्याज डाल के हल्का ब्राउन होने तक उसको भूनेंगे। कटहल इधर धुल के तैयार कर लेते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनते हैं। भूनने के बाद कटहल डाल देते हैं। गोल्डन ब्राउन होने के बाद को बढ़िया धूल के साफ करके कटहल डाल देंगे। इसके बाद नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। पहले अच्छे से इस तरह से चलाइए, फिर इसके बाद हम इसमें हल्का सा नमक डाल लेते हैं। अब फिर से इसको हल्का सा चला देते हैं। हल्का इसको चला देते हैं। अब इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढकते हैं। फिर हल्का गलने के बाद इसको भूनते हैं। हल्का सा भूनने के बाद इसमें ढक्कन लगा देंगे। हल्का सा भुना गया, अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। एकदम लो फ्लेम पर इसको 3 से 4 सीटी, उसके बाद भुजिया है तैयार। देखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट भुजिया बनेगा। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिए।